दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक के बारे में, या हम कुछ यूं कहें बीई के बारे में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। दोनों ही कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीटेक की ओर जाते हैं, बीटेक में एडमिशन ज्यादा होता है। बीई और बीटेक में मेजरली डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे जहां जहां आपकी नौकरी लगेगी, कौन कौन सी स्ट्रीम्स में बीटेक या बीई कराया जाता है, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, फीस क्या होगी, एडमिशन कैसे होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा या एंट्रेंस आपको देना होगा, पहले कैसे बीटेक चलता था जो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग ये कोर्स रहा, अभी इसका क्या स्टेटस है, अभी एट प्रेजेंट में आपको बीटेक या बीई में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, किस किस मोड पर बीटेक या बीई कराया जाता है। जैसा आपने सुना है कि डिस्टेंस में पहले कराया जाता था, कुछ यूनिवर्सिटीज थी कराती थी, पार्ट टाइम में आज भी कई यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, रेगुलर ये कोर्स होता है या फिर किस तरह से इवनिंग क्लासेस आप कर पाएंगे, क्या होता है WILP प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके दिल में, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप कहीं भी जॉब करते हैं, आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर अभी आपने 12th पास की है या फिर डिप्लोमा पास किया है, तो क्या क्या सारी कंडीशंस रहेंगी, कैसे आप बीटेक कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर डाउट्स जो आपके दिल में है बीटेक या बीई को लेकर सभी क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए बीटेक या बीई को दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि बीटेक या बीई, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ड्यूरेशन होता है 4 ईयर, 4 साल का ये प्रोग्राम है। जैसे कि सभी जो बैचलर डिग्रीज कराई जाती है सभी 3 साल की कराई जाती है। सवाल ये आता है 4 साल का क्यों है, जैसे कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी 4 साल का है, बीटेक भी 4 साल का है। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो एक्सेप्शन है, मतलब 4 साल के कोर्स होते हैं पर ये भी है बैचलर डिग्री ही। ये जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बीटेक की बात करें या फिर हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें, दोनों में ही 8-8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8-8 सेमेस्टर के एग्जाम्स कराए जाते हैं। जो मेजरली डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो बीटेक है, बीटेक में ज़्यादातर टेक्निकली चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और जो बीई होता है उसमें थ्योरी पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। अब बीटेक या बीई में आपको एडमिशन लेना है तो बीटेक क्या, पहले समझिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट ये एक प्रोग्राम है, मतलब कि 4 साल का प्रोग्राम होता है टोटल। ये जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्शन है 4 साल के, वह 3 साल के ही ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं। सेमेस्टर टाइप पर चलता है, सेमेस्टर मोड पर एग्जाम्स होते हैं। 12वीं पास आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई भी ऐसा बोर्ड जो रिकॉग्नाइज है, सरकार ने उसे मान्यता दी है, आपने वहां से अगर 12वीं पास की है, आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप बीटेक बिल्कुल कर सकते हैं। एडमिशन मेरिट बेस पर भी होते हैं और एंट्रेंस बेस पे भी होते हैं, पर ज्यादातर आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि ज्यादातर जो एडमिशंस होते हैं वो डायरेक्ट ही एडमिशन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ले लेती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पहले वाली बात अब नहीं रही जो पहले एक बात थी। पहले अगर हम बात करें आज से 12-15 साल पहले की, तो तब तक जितने भी बीटेक के एडमिशन हुआ करते थे वो डोनेशन पे चला करते थे, उसके मैनेजमेंट सीट्स पे चला करते थे, फीस के ऊपर भी बहुत ज्यादा डोनेशन जाता था। और आज तो ये आलम है कि आप बीटेक फ्री में भी कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन देने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती हैं। आपको 50% स्कॉलरशिप चाहिए, 70% चाहिए या पूरी फीस आप माफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी ट्यूशन फीस माफ करा दी जाए, मैं सिर्फ हॉस्टल और मेस की फीस दे दूंगा जहां मैं रहकर पढ़ूंगा, ये भी पॉसिबल है। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें 100% स्कॉलरशिप की हमने बात की है, आप उन वीडियोस को देखिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए अगर आप चाहते हैं 100%, या फिर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 100% फ्री एजुकेशन में, बीटेक की आप ट्यूशन फीस पूरी वेव ऑफ चाहते हैं या कुछ परसेंटेज आप वेव ऑफ चाहते हैं, डिपेंड करता है क्या स्कॉलरशिप होगी, किस तरह से आप उसमें एग्जाम देंगे।
तो हम वो बिल्कुल करवा देंगे। आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम डिटेल आप उसकी शेयर कर देंगे। यूनिवर्सिटी की कोर्स फीस की बात अगर हम नॉर्मली करें तो यूनिवर्सिटीज में आज भी इसकी जो फीस है वो 50,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये पर ईयर तक की फीस है। जो फ्री एजुकेशन का सिस्टम है वो अलग होता है। सैलरी की अगर बात करें, जो सैलरी मिलती है वो भी लगभग 50,000 से शुरू होती है और लिमिट की बात नहीं होती, पर शुरुआत इतने से आपकी सैलरी हो जाती है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। रिक्रूटिंग कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे इसके ऑप्शंस होते हैं। या मान लीजिए साथ में हम अगर बात करें कि जॉब कहाँ कहाँ आपको मिलेगी, तो कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर आप बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं जो जो वैकेंसीज आपको मिल जाती है। दोस्तों बीटेक की बात करें तो बीटेक जैसे कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस में बीटेक करवाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया इस कोर्स को और बाद में क्या हुआ प्रॉब्लम, जैसा मैंने आपको एक वीडियो मैंने भी थोड़े दिन पहले बनाई थी जिसके अंदर डैब में बताया था, मैंने डैब का नोटिफिकेशन आया था कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो आप पार्ट टाइम में डिस्टेंस में आप नहीं कर सकते हो, टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो कोई डिस्टेंस में अगर ये कोर्स करवाता है तो आप करना मत, प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इवन जो पार्ट टाइम जो ये होते हैं, जो इवनिंग क्लास चलती थी, उस पर भी एक नोटिफिकेशन UGC के आ गया कि आप इवनिंग में भी नहीं चला सकते इसको। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया है UGC ने। और साथ में दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ कि बहुत जगह पर ये WILP जिसको बोलते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी चलता है UGC को। हालांकि अगर आप कोई RTA लगाते हो या कुछ पूछते हो तो इसका कोई प्रॉपर सटीक आंसर नहीं आता है कि कैसे चलाया जाता है। आप इन टोटल ये मानिए कि ऑनलाइन ये कोर्स नहीं चलेगा जल्दी से, इसमें कैसे यूनिवर्सिटी ने मॉडिफिकेशंस किए हैं वो एक बात अलग है। डिस्टेंस में नहीं होता है, रेगुलर में ही होता है अल्टीमेटली ये प्रोग्राम, रेगुलर में ही आप करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा पास किया है तो आपको लेटरल एंट्री में आपको एंट्री मिल जाती है। 3 साल का फिर आपका एक कोर्स होता है, मतलब थर्ड सेमेस्टर में सीधा आप एंट्री कर लेते हैं और बीटेक के बाद करते हैं आप एमटेक। ये तो कुछ चीज़ें हैं बीटेक के बारे में। रेगुलर में ही एडमिशन होगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं हॉस्टल कैंपस को आप जाके विजिट जरूर करें, साथ में हॉस्टल्स को जरूर देखें अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं। यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन देख लें, प्लेसमेंट्स आप देख लें कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद में यूनिवर्सिटी आपको कहाँ प्लेस करने वाली है। साथ में स्टूडेंट्स से मिल लें जहाँ पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, बट अगर आप फ्री एजुकेशन में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा तो आपको मतलब कन्वीनियंसी नहीं मिलेगी। आप सोचें कि हर चीज़ में अपने अकॉर्डिंग कर लूँ और जितनी ज़्यादा फीस देंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो चीज़ें आप अपने अनुसार पूछ सकते हैं। बीटेक जो स्किल ओरिएंटेड एक प्रोग्राम होता है दोस्तों, डिज़ाइन किया गया है, फोकस जो इसका होता है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए ही होता है, प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है। बट जब BE की हम बात करते हैं तो फंडामेंटल थ्योरी एस्पेक्ट्स जो होते हैं इसके, थ्योरी पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग जाती है बीटेक कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, तो बीटेक आपने क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन जाएंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर आप बन जाएंगे, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन जाएंगे आप, बायोमेडिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं आप, साथ में ही केमिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। दोस्तों बीटेक के अंदर करने के लिए बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं आपके पास, किसमें आप बीटेक करना चाहते हैं और किस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किस यूनिवर्सिटी की फीस को आप कंपेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें बताएं, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करें। हो सकता है कि हम आपको बेस्ट कोई ऑप्शन दे सकें और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकें जहाँ फीस बहुत कम है, और हो सकता है कि ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का आप चयन कर लें जिस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स नहीं है। हालांकि AICTE की अप्रूवल की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी कोर्स कराने के लिए, इसकी जरूरत पड़ती है उन सभी कॉलेजेस को जो कॉलेज चलते हैं। जितने भी पहले कॉलेजेस थे बीटेक के कॉलेज चला करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े बड़े थे, वो सभी आज की डेट में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बीटेक एक फ्लॉप प्रोग्राम बन गया है उन लोगों के लिए। हालांकि बीटेक को मैं फ्लॉप प्रोग्राम इसलिए नहीं बोलूंगा, आज भी जो बीटेक करके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बी करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, पर उन कॉलेजेस के लिए जहां वो लोग फीस से भी 4 गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा पैसा लिया करते थे, अब उनके लिए वो बेनिफिट्स नहीं रहे, सिर्फ फीस में काम करना पड़ रहा है और एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं। इसीलिए वो सभी जो कॉलेजेस थे, बहुत सारे डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ बन गई, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बीटेक की आज भी हालांकि डिमांड है, कि जिस स्ट्रीम में आप एडमिशन ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। आपका अगर फ्यूचर का विजन क्लियर है तो मेरा मानना है जो स्ट्रीम आपने चूज की है उसी में आप बीटेक करें। कम से कम फीस में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। हॉस्टल में रहें, हॉस्टल को ध्यान दें, हॉस्टल को अच्छे जाके देखें, स्टूडेंट से मिले, प्लेसमेंट्स आप जरूर देख लें जहां से भी आप बीटेक करने की सोच रहे हैं। अगला वीडियो किस स्ट्रीम, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी पर आप चाहते हैं आप हमें जरूर बताना, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे और आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे।
अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम मोटिवेट रहें आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।